दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर है, जो कि 1433 की माघ समुद्री 15 सुखियों कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास जी का मंदिर है। कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी तैयारियां आपकी चल रही हैं। ये कुछ इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मंदिर श्री गुरु रविदास जी का, और इधर भी तैयारियां वगैरह चल रही हैं। यहाँ के चेयरमैन हैं मेजर रणवीर सिंह जी। आइए चलते हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं और इनके मंदिर के बारे में जानकारी। तक तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। और अभी अभी मतलब कि उधर हमने अभी देखा है पंडाल वगैरह तैयारियां चल रही हैं, तो उसका कब तक होगा? वो भी हो जाएगा, 8-9 तक हो जाएगा। अच्छा, वो भी 8-9 तक तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। और अभी इधर इसमें क्या चल रहा है ये मंदिर में? इसमें तो पाठ चल रहे हैं। पाठ हमने सुना है, अभी पाठ स्टार्ट हो गए हैं, अमृतवाणी के पाठ शुरू हो गए हैं। ये पूरे कितने दिन चलेंगे यहाँ? ये 15 तक चलेंगे। अच्छा, ये 15 तारीख तक गुरु रविदास जी का पाठ 15 तारीख तक पूरा एक लगातार 24 घंटा चलता है? नहीं, 24 घंटा नहीं चलता है, ये 300 पाठ होते हैं। अच्छा, 300 पाठ होते हैं, उसको डिवाइड करके सुबह 8 बजे फिर शाम को फिर 8। अच्छा अच्छा, 8-8 पाठ करके तीनों टाइम चलाते रहते हैं गुरु रविदास जी का पाठ। और उसमें मतलब कि जो भी आके अपना पाठ सुन सकता है, बैठ सकता है? हाँ, बैठ सकते हैं। अच्छा, पाठ सुनने के लिए कोई भी एरिया कोई भी इंटरेस्टेड है तो अपना आगे पाठ वगैरह? पाठिया आए हुए हैं। अच्छा, पंजाब से पाठिया आए? यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के लोग नहीं करते, जो वहाँ से आए वही करते हैं, जहाँ से सेवादार। अच्छा, सेवादार जो मतलब पहले से लगे हुए हैं वो अपना सेवा वगैरह, तो वो लोग पाठ चलाते हैं। जैसा कि पहले हर साल बड़े धूमधाम से गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाया जाता है, इस साल भी गुरु महाराज जी का जन्मदिन जो है हमारे संत नंदनदास महाराज जी चेयरमैन ट्रस्ट के उनके देखरेख में मनाया जा रहा है, और सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। देश विदेश से जो हमारी संगत बैठी है अपने गुरु महाराज के अनुयायी, उनको सबको हमारा 647वां जन्मदिन लाख लाख बधाई। करीब करीब यहाँ हमने देखा है कि पूरे बनारस से सब अपना जुलूस और के साथ आते हैं करीब करीब। उसके लिए मैं एक और बताना चाहता हूँ, उसके लिए जो भी है जहाँ पर संगत के रहने के लिए, संगत के खाने के लिए, सब गुरु महाराज के मतलब श्री 147वां महाराज जी के देख रेख में सब मुफ्त सब कुछ अपने खाना दिया जाता है। अच्छा अच्छा, लंगर चलाया जाता है, लंगर जो कुछ भी 24 घंटे चलता है। अच्छा, और 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक निरंतर 24 घंटे चलेगा ये, 12 तारीख से लेकर 19 तारीख 19 तारीख तक सारा जो भी हमारे जो है लंगर चलेगा, देश विदेश से सारे जो दुनिया आती है लाखों की संख्या है यहाँ पर। अच्छा, मतलब पूरे और नतमस्तक होते हैं। अच्छा, और ये उनके अमृतवाणी के जाप वो हर रोज अंदाजे 24 चल रहे हैं। अच्छा, तो ये 15 तारीख तक चलेंगे, एक जो जाप होगा वो 16 तारीख होगा, उसका समापन जो है वो 10 बजे सुबह होगा। गुरु महाराज जी वहां से स्पेशल ट्रेन में 14 तारीख को यहां पर पहुंच रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ, संतगणों के साथ। अच्छा, वो 14 से लेकर 16 तक यहां रहेंगे, 17 को जिस गाड़ी में आए हैं स्पेशल गाड़ी में उस स्पेशल गाड़ी में वापस चले जाएंगे। जो कुछ भी यहां पर जो कुछ भी हो रहा है, गुरु महाराज के तरफ से हो रहा है, जो भी रस्त अपने चावल गेहूं वगैरह जो कुछ भी है गुरु महाराज वहां से बात किया, गुरु महाराज पंजाब से पंजाब से सारा है, सारे का सारा है। और बाकी जो दालें या और पेश है जो बने होते हैं देश के। अच्छा, यहाँ से मिल जाते हैं, मतलब कि यहाँ इतनी भीड़ आती है, करीब करीब कितनी भीड़ हो जाती है? भीड़ जो है ये अंदाजा उससे जो है वो 1.5-2 लाख तकरीबन हो जाता है, 1.5-2 लाख। इस बार हो सकता है थोड़ा कम हो, कोरोना का टाइम चल रहा है तो इलेक्शन वजह से हो सकता है संगत कम। ये हमारे दो बाबा जी हैं, बाबा जी अपना नाम बताइएगा। जगनारायण सिंह और बाबा जी जगेंद्रपाल सिंह है, जो कि अभी बाबा जी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठे हुए हैं, और जैसा कि देख पा रहे हैं अंदर मंदिर है और प्रवेश द्वार पर बैठ के अपना सेवादारी वगैरह। कब से आए हैं? 15 साल हो गए जहाँ पर। अच्छा, 15 साल से यहीं रह रहे हैं, जाते रहे बाबा जी का सेवा में 15 साल से लगे। मिल जाए छुट्टी चल जाना। अच्छा,
आते रहते हैं जाते रहते हैं। 20 साल से बाबा जी की सेवा में आते रहते हैं। कहाँ पे जो टेंट लगे नहीं वहाँ? हाँ हाँ, वहाँ उसे ड्यूटी चलेगी। अच्छा, वहाँ आपका ड्यूटी वगैरह सेवा कर रहे हैं। अभी जो आते हैं ना, ड्यूटी इधर लाओ इधर लाओ, हाँ हाँ, कपड़ा लाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा साथ में आप लगे। जी गुरु रविदास जी का कुछ इस तरह से गेट दिख रहा है। अब ये मंदिर है, अंदर चलेंगे, पाठ वगैरह होने जा रहे हैं। ये यहाँ होता है पाठ, पाठ वगैरह यहीं होता है बाबा। पाठ कुछ अच्छा प्रसादा देते हैं बाबा। कितने बजे? और दस बजे शुरू हो गए हैं पाठ। हर 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 हरे हर सिंह चंदन सतरे रहा हर के नाम के लिए जाकर जन जन के काटे काकर जिनके नाम के दूध भी आया तो उनके जन संकट भी आया जन रविदास राम रंग राता है गुरु प्रसाद हर कुछ जाता जब हो जी ऐसी लाल जीवन को अंतरे वीर वाले जीवन मेरा माते से डेरा सतगुरु बल्ला महान महापुरुखा दे नाम सेवा समेत माइका ध्यान करके जपना जी माणिया दे बाहर टाणिया दे तन गातु खंतर जामी सतगुरु साहिब सरदास जी महाराज सतगुरु स्वामी सरबदास जी महाराज पातशाह आप दे सुने चरणा विच अरदास कीती आज बड़ी बार पासे कृपा कीती है पातशाह आप दे पावन पुत्र जन्म स्थान मंदिर विच पातशाह जी आज दा आदि गुरुओं की खाता दे सरदास सत मनाया जा रहा है। पातशाह जी आज इन के मन दे जप दे रहे आनंद आप दी कृपा सत्कार तीसरी लड़ी पातशाह जी रंग होण जा रही है। जिन्हां गुरु परिवार कोल पातशाह आगे पावन दरबारा विच श्रीमान मदन लाल जसल जी बीपी नसीब कौर जी का समुचा परिवार मंडल सराखा सतूल कैंट जूते वाले वालों दूसरे जाप संकार जो श्री कुमार रजीत कुमार जी जीवन सर मन सुख शांति वास्ते सतवें जाप पातशाह जी श्री अजीत कुमार कमल जी बीपी रतन कुमार जी गुरमन हैपन जूते वाले वालों परिवार की सुख शांति वास्ते और अठवें जाप पातशाह जी श्री केशव सिंह भट्टी बीपी हसन कौर जी समुचा परिवार जगमेरा
दोस्तों, गुरु रविदास जी का जन्म काशी में ही माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को 1433 को हुआ था। इनके जन्म के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है जो कि इस तरह है, 1433 की माघ सुदी पंद्रास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। गुरु रविदास जी के सेवक इनको सतगुरु और जतगुरु के नाम से इनकी सेवादारी करते थे और गुरु रविदास जी की कृपा दृष्टि करोड़ों लोगों पर हुई, जैसे कि मीराबाई। सपोर्ट के लिए आप लोग चाहें तो गूगल पे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाएगा, ताकि हम गुरु रविदास जी से जुड़े और भी कई सारे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें।